The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. तो दोस्तों कोरोना वायरस कोविड-19 की बीमारी के बारे में आपने सुना ही है, समझा ही है और वो क्या है, कितनी डेंजरस है, कितनी खतरनाक है, इसके बारे में आप जानते हैं। इसी का कोविड-19 या कोरोना वायरस का जो बेसिक उस फैमिली के वायरस है, कोरोना वायरस फैमिली के जो वायरसेस हैं, इन्होंने आज से पहले भी कई बार इस तरह की महामारी फैलाई है। और इससे पहले जो वायरस, डेंजरस वायरसेस आए थे, उसमें एक वायरस का नाम था जो था सार्स, सीवियर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस, सार्स वायरस, जो कि चाइना में अपीयर किया था 2002 में पहली बार। जी हाँ, चाइना से ही आया था। और अब आज जो आया है कोरोना वायरस वाला, जिसको हम नाम दे रहे हैं, वो बेसिकली सार्स CoV-2 बोला जाता है। सार्स CoV-2 कि सार्स का ही दूसरा भाई है ये। तो सार्स जो बीमारी थी उसको अच्छे से समझा जा चुका है, उसको पढ़ा जा चुका है, उसका ट्रीटमेंट किया जा चुका है, उसका सारा कुछ हो चुका है। तो लेकिन मतलब कई सारे लोग, उसकी डेथ रेट भी ज़्यादा थी, सार्स की बीमारी को समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सार्स और ये दोनों एक्चुअली है अलग अलग, लेकिन ये भाई बहन है एक दूसरे के। सार्स और सार्स CoV-2 एक दूसरे के भाई बहन वायरसेस हैं और म्यूटेटेड है एक दूसरे से। शुरू दोनों चाइना से हुए थे, एक 2002 में, एक 2019 में, और ये काफ़ी ज़्यादा कंटेजियस भी था और कई बार फेटल भी था। इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या था। ये चाइना में नवंबर 2002 में आया था और कुछ महीनों तक रहा था, और ये वर्ल्ड वाइड फैला भी था जो ट्रैवलर्स के थ्रू, जैसे ये कोरोना। उतना ज़्यादा नहीं फैला था जितना कोरोना फैला है, लेकिन फैला था। और सार्स से भी तुरंत इन्फेक्शंस हो जाते थे और हाईली इंटरकनेक्टेड कनेक्टेड जो वर्ल्ड में काफ़ी सारे लोगों को होते जा रहे थे, इसीलिए इसी तरह से काफ़ी शटडाउन हुए थे पूरे दुनिया में। सार्स में भी फ्लू लाइक सिम्टम्स होते थे कोरोना के जैसा, फीवर, चिल्स, मसल एक, सर में दर्द, डायरिया, ऐसे साइंस हो सकते थे। फीवर 100+0.5 या उससे ज़्यादा, ड्राई कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बिल्कुल कोरोना के जैसा। और यहाँ पर सीरियस बीमारियाँ भी हो जाती थी कुछ लोगों में, रेस्पिरेटरी इलनेस, निमोनिया और डेथ भी पॉसिबल थी सार्स में। डेथ रेट सार्स का कोरोना से ज़्यादा था, आप उसको मान के चलिए। अभी मैं एग्जैक्ट डेथ रेट तो आपको डाटा के हिसाब से बताऊँगा। कॉजेज, सार्स भी कोरोना वायरस है, फैमिली है आपको पता है कॉमन कोल्ड की, जो म्यूटेट हो गई है, और ये एनिमल वायरस था और ये एनिमल से आदमियों में आ गया और फैलने लगा। कैसे फैलता है ये सार्स वायरस? वापस ड्रॉपलेट से फैलता है, कफिंग से, स्नीजिंग से, ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से फैलता है। और कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट जैसे कि टेलीफोन, एलिवेटर नॉब और जो लिफ्ट के बटन्स, डोर नॉब्स, इनसे ज़्यादा फैलता है, और उसके बाद जो आप मुंह को हाथ लगाते हैं उससे। इसीलिए सार्स हो या कोरोना वायरस, सबसे अच्छा प्रिवेंशन है हाथों में, मुंह से ज़्यादा, ग्लव से ज़्यादा हाथों में, क्योंकि ग्लव्स निकालने के बाद भी अगर आपके हाथ गंदे हैं तो आपका होगा ही होगा। सो मुंह को हाथ लगाने से पहले आपने हाथ धोना है, दोनों में से किसी भी बीमारी को ठीक करने से पहले। सार्स के रिस्क फैक्टर्स हो जाते हैं जिनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, जिनकुल बिल्कुल कोरोना के जैसा, एक नोन केस से या फैमिली मेम्बर से या हेल्थ केयर वर्कर से जो कोरोना के लिए काम कर रहे हैं या सार्स से भी काम कर रहे हैं। सार्स में भी कॉम्प्लिकेशन सिमिलर थे, निमोनिया होता था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होते थे, कई बार पेशेंट्स को वेंटिलेटर पर डालना पड़ता था। सार्स कुछ केसेस में जान ले लेता था, और वो भी सिंपल, ज़्यादातर रेस्पिरेटरी फेलियर के वजह से, और कुछ केस में लिवर और हार्ट फेलियर भी होता था। यही चीज़ प्रूव करती है कि एक वायरस, ना सिर्फ सार्स, कोरोना भी या कोई भी वायरस, कई बार लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, लंग फेलियर या हार्ट फेलियर कर सकता है। इसीलिए जनरलाइज्ड ट्रीटमेंट हर पेशेंट पे अप्लाई नहीं होता। जनरलाइज्ड ट्रीटमेंट यानी कि पानी खूब सारा पीना, लिक्विड्स लेना, फ्रूट्स लेना, नारियल पानी पीना, इनिशियल लेवल पे ज़्यादातर केसेस में काम करेगा। जो कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, जिनके हार्ट फेलियर होने लगता है, लिवर फेलियर होने लगता है, किडनी फेलियर, उनको आप पानी ज़्यादा पिलाओगे
तो उनकी बॉडी में एडिमा, पूरी बॉडी सूजने लगेगी, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर बात आती है मेडिकल साइंस की प्रॉपर जानकारी का, हर एक केस को असेस करके केस वाइज ट्रीटमेंट देने का। ठीक, सो ये हुई बात कॉम्प्लिकेशंस की। अब बात करें प्रिवेंशन की। और एक बात और, सार्स में भी कॉम्प्लिकेशन मोर देन 60 इयर्स ओल्ड पेशेंट्स में ही होते थे, जिनको अंडरलाइंग कंडीशन है डायबिटीज, हेपेटाइटिस, कोई लंग प्रॉब्लम, लंग कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, उन्हीं को ज़्यादा रिस्क था सीरियस कॉम्प्लिकेशंस का, बिल्कुल कोरोना वायरस जैसा। इसका प्रिवेंशन भी आपको हाथ धो के सबसे इंपॉर्टेंट है, साबुन पानी बेटर, नहीं मिला तो 60-70% अल्कोहल का आप यूज कर सकते हैं, सैनिटाइजर और ग्लव्स पहन सकते हैं, डिस्पोजेबल ग्लव्स, अगर आप किसी को किसी पर्टिकुलर, अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, सर्जिकल मास्क ज़रूरी है, पर्सनल आइटम्स को दूसरों के साथ शेयर नहीं करना है, डिसइनफेक्ट करना है अपने बॉडी, अपने घर के, अपने ऑफिस के, अपने लैपटॉप, अपना फ़ोन, अपना टैबलेट, अपना वॉलेट, जिस जिसको आप बार बार हाथ लगाते हैं। और ये है सार्स की कहानी। प्रिकॉशंस आपको लेने होते हैं 10 से 15 दिन, इसमें 10 दिन होते हैं सार्स का साइन सिम्टम, जैसे कोरोना में 7 से 14 दिन है, उसमें 10 दिन का आप इंक्यूबेशन पीरियड मान सकते हैं। सार्स के लिए भी फर्स्ट जब सरफेस हुआ था तब कोई खास टेस्ट नहीं था, अब उसके लिए भी सेम पीसीआर टेस्ट होता है, आरटीपीसीआर, जिससे सार्स वायरस कंफर्म किया। किसी भी प्रकार का वायरस हो उसका एक जेनेटिक कोड होता है, वो जेनेटिक मटेरियल, उस कोड को मैच किया जाता है। अगर आपके अंदर उस जीन, जेनेटिक जीन से मैचिंग डीएनए वाला वायरस है तो वो सार्स है, वेरी सिंपल, तो वो सार्स है या वो कोरोना वायरस है। तो इसी तरीके से 99.9% स्पेसिफिसिटी से बता दिया जा सकता है कि वो 100 कोरोना ही है या सार्स ही है। बहुत ज़ोरदार टेस्ट है, टेस्ट पे डाउट कई लोग कर रहे हैं, प्लीज़ डाउट ना करें। ट्रीटमेंट ग्लोबल कंसर्न हो गया था सार्स में भी, और सार्स भी काफ़ी सारे वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फैल गया था, और कई सारी दवाइयाँ भी उस पर ट्राई की गई थी, उस पर एंटीबायोटिक्स भी दी गई थी सीरियस पेशेंट्स को, क्योंकि सीरियस पेशेंट्स में एड ऑन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शंस को अवॉइड करने के लिए, ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल मेडिसिंस आती हैं, दूसरी कई सारी वायरसेस के लिए, जैसे कि हेपेटाइटिस की वायरस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी, इबोला, ऐसी कई सारी वायरसेस, सीरियस डिजीजेस, क्रोनिक डिजीज की एंटीवायरल मेडिकेशंस को भी उसमें यूज़ किया गया था, लेकिन उससे भी कुछ खास बेनिफिट नहीं मिला था सार्स के केस में। कोरोना वायरस के केस में इनिशियली काफ़ी बेनिफिट मिला है इन टाइप की एंटीवायरसेस मेडिसिंस का। चाइना में भी इनके ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रहा है, मैंने ऑलरेडी आपको पिछली बार बताया है कि कौन कौन सी वायरल एंटीवायरल मेडिकेशंस हैं, कहां कहां इस्तेमाल हो रही है, कैसे कैसे रिसर्च चल रहा है। इंडिया में भी जयपुर जैसी जगहों पर, काफ़ी सारी जगहों पर एंटीवायरल मेडिसिंस ही चल रही हैं सीरियस पेशेंट्स में, हर पेशेंट में नहीं, सीरियस पेशेंट्स में दी जाती हैं, और कोशिश की जाती है कि उनकी रिकवरी पूरी तरह से हो सके। तो ये है बेसिक आपका सार्स और कोरोना का, सीओवी का, दोनों के दोनों एक ही बीमारी नहीं है। सार्स का और कोरोना का डेथ रेट अलग है, बिल्कुल ऐसे ही सार्स के जैसे एक मर्ज नाम की चीज भी थी, MERS, मर्ज, सार्स और कोरोना वायरस, ये तीनों जो है ये आप मान के चलिए एक ही कोरोना वायरस फैमिली के, यानी के सिंपल फ्लू वाली कोल्ड वाली, कॉमन कोल्ड वाली बीमारी के म्यूटेटेड वर्जन्स हैं, जो कि आपको तंग कर सकते हैं, सीरियस हो सकते हैं। इसमें सबसे खतरनाक है मर्ज, जी हाँ, मर्ज की बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो 30-40% तक डेथ रेट उसकी मानी जाती थी। और MERS, राइट, और सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वाली जो बीमारी है वो भी डेंजरस थी, और जो मर्ज है, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, वो भी डेंजरस है। मर्ज का डेथ रेट 30%, सार्स का अप्रोक्सीमेटली 10-15-20% मान लीजिए, और कोरोना का 1-3% का है। तो तीनों में कोरोना बहुत ज़्यादा कम हानिकारक है इन तीनों से कंपैरिजन में। इबोला वायरस का था 60% डेथ रेट, और इस हिसाब से H1N1 का भी डेथ रेट अच्छा खासा ज़्यादा था, अभी मेरे पास डेटा नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए कोरोना तीनों से कम हार्मफुल है, कम डेथ रेट है, लेकिन
जो इसमें वायरसेस में क्या होता है, डेथ रेट कम है तो कम्युनिकेबल रेट बढ़ जाता है, तो फैलने की क्षमता ज्यादा हो जाती है। इसी तरह कोरोना की फैलने की क्षमता ज्यादा है। सो आई होप आपको समझ गया है कैसे कैसे वायरसेस हैं, क्या क्या हिसाब हो रहा है और कैसे आपको बचना है। बेसिक सब जगह सेम है, गलत धारणाओं पे नहीं जाना है। हाथ प्रॉपर धोते रहिए, सही जानकारी फैलाते रहिए। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।